हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की एक मेथड पे है जिसका नाम है चारपिट्स मेथड। नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज होता है। तो पहले हम देखते हैं इसकी फॉर्म कौन सी है, किस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है। एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो, इस तरह की फॉर्म होती है क्वेश्चन में। इसका जो वर्किंग रूल है पहले हमें वो पता होना चाहिए, उसी के बेस पे क्वेश्चन निकलेंगे। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने डेल एफ बाय डेल एक्स फाइंड करना है, डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल जेड, डेल एफ बाय डेल पी और डेल एफ बाय डेल क्यू। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपने सबसे पहले फाइंड कर लेनी है और उसके बाद आपने इसकी जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है चारपिट्स मेथड की, ऑक्सिलरी इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी लेंथी है। वो क्या होती है, डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ बाय डेल पी माइनस क्यू डेल एफ बाय डेल क्यू। एफ जो है ये एफ फंक्शन वाला एफ जो आपको गिवन दिया होगा इज इक्वल टू डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाय डेल जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो इस फॉर्म की जो है आपकी ऑक्सिलरी डिफरेंशियल ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी चारपिट्स की। इसके बाद जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद आपने इसमें जो है सारी वैल्यूज वगैरह इसकी जो है वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आपकी पांच इक्वेशंस बनेंगी। पांच इक्वेशंस कौन कौन सी बनेंगी, एक वन टू थ्री फोर एंड फाइव। आपने इसके बाद इन्हीं में से कोई दो लेके आपने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। जो पी है और ये जो क्यू है, आपने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में उसको वैल्यू को पुट कर देना है। जो पी और क्यू की वैल्यू होगी वो इसमें आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है और फिर उसके बाद आपने इसको जो है इंटीग्रेट करना है। ध्यान रखिएगा आपकी पी और क्यू की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जो इजिली इंटीग्रेट हो जाए, ये ना हो कि ऐसी वैल्यूज आए आपसे इंटीग्रेट ही ना हो बाद में जाके, तो वो इजिली इंटीग्रेट होनी चाहिए। जो इंटीग्रेट करके फिर आपका जो आंसर आएगा वो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये आपको लर्न कर लेनी है। इसके लिए डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ बाय डेल पी इस तरह से पूरी ये लिखी है, ये आपको आनी चाहिए। और ये पांच वैल्यूज हमने पहले ही निकाल लेनी है जो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर उसके बाद जो पी और क्यू की वैल्यू आएगी वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है और फिर इसको इंटीग्रेट जो है करना है। अब हम इसके जो है आज एक एक्सरसाइज करेंगे चारपिट मेथड पे ही, अभी हम इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे। अब ये प्रॉब्लम इस पे करेंगे सॉल्व, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू। ये जो क्वेश्चन है वो किसी मेथड से नहीं निकलेगा, चारपिट से ही इसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू, इक्वेशन नंबर वन जो आ गई पी क्यू किस तरह से। अब हम इसमें जो फर्स्ट स्टेप पहले आपको बताया था जो वैल्यूज निकालनी है वैल्यू फाइंड करेंगे, तो डेल एफ बाय डेल पी निकालेंगे, डेल एफ बाय डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ बाय डेल वाई निकालेंगे, डेल एफ बाय डेल जेड, डेल एफ बाय डेल पी और डेल एफ अपॉन डेल क्यू, ये हम वैल्यूज इसमें फाइंड करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करके ये फाइव डिफरेंट वैल्यूज की फाइंड करेंगे और फिर इन वैल्यूज को ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसको जब एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो पी एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, पी एक्स की वन और बाकी कहीं पे एक्स नहीं है। वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका क्यू आ जाएगा और बाकियों में कहीं पे वाई नहीं है। z के रिस्पेक्ट जब हम इस पे करेंगे तो z वाला कोई फंक्शन नहीं, उसकी क्या आ जाएगी आपकी जीरो। इसी तरह p के रिस्पेक्ट करेंगे तो जब p के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा x, यहां पे तो p नहीं और यहां भी p के रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा साथ में q, और जब q के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा y माइनस p।
तो ये इसकी डिफ्रेंसिएशन आ जाएंगी। अब हम इनको जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ बाय डेल क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ बाय डेल पी माइनस क्यू डेल एफ बाय डेल जेड इज इक्वल टू डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाय डेल जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये जो है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम जो है ऊपर वाली इसकी वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप ध्यान से देखिए और फिर जो हमारी इक्वेशन बनेगी, वन लाइनर इक्वेशन बनेगी, उसमें से हम कोई दो पार्ट्स लेंगे और उसमें से पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल क्यू की वैल्यू क्या है, वाई माइनस पी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड उसकी वैल्यू क्या है, जीरो इज इक्वल टू डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, पी प्लस पी इंटू डेल एफ बाई डेल जेड की वैल्यू है जीरो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू है क्यू प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या है, हमारी जीरो। ये हमारी जो है इसकी वैल्यूज आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन माइनस ऑफ एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस ऑफ वाई माइनस पी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस ऑफ पी इंटू एक्स माइनस क्यू, ये तो जीरो हो जाएगी। यहां पे सॉरी यहां पे डेल एफ बाई डेल क्यू होता है, तो डेल एफ बाई डेल क्यू की वैल्यू क्या थी, वाई माइनस पी, क्यू इंटू वाई माइनस पी जाएगा और यहां भी वही आ गया माइनस क्यू इंटू वाई माइनस पी। इसको सिंप्लीफाई करने को रहने देते हैं क्योंकि हमें यही लास्ट से दो वैल्यू नहीं ले लेंगे, डी पी अपॉन ये सिंपल पी आ जाएगा और ये डी क्यू बाय क्यू आ जाएगा क्योंकि बाकी तो दो इसमें जीरो होगी, ये पी इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा, तो ये खाली पी बच गया और ये क्यू बच गया। हमने इनमें से कोई दो वैल्यूज लेनी है और वहां से हमने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें देख रहे हैं कि जो लास्ट के दो हैं वो काफी इजी हैं, हम उन्हीं दोनों को लेके पी और क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो टेकिंग टेकिंग डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू, हम ये दो टर्म्स ले लेते हैं और इन दोनों टर्म्स को लेके हम इनको जो है सॉल्व कर लेंगे। इनको क्या कर देंगे, इनको इंटीग्रेट करते हैं ताकि P और Q की वैल्यू फाइंड हो जाए, इसकी हमें अब जरूरत नहीं है। तो ये था dP upon P, लिख लेते हैं dP upon P इज इक्वल टू dQ upon Q था, इसको इंटीग्रेट कर दिया। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dP upon P की इंटीग्रेशन क्या होती है, dx upon x की इंटीग्रेशन होती है log x, तो dP upon P की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log P इज इक्वल टू लॉग क्यू प्लस लॉग सी, वेयर लॉग सी इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब सब लॉग में है तो कॉन्स्टेंट भी लॉग में ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्यू सी बिकॉज लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, दोनों साइड से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा पी इज इक्वल टू क्यू सी। तो यहां से हमारी पी की वैल्यू क्या आ गई, क्यू सी वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारी आ गई। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन, इसकी वैल्यू हम जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, इसको लेफ्ट साइड में नहीं राइट हैंड साइड में ही पुट करना है इन आर एजेस, ये आ जाएगा पी की जगह क्या आ जाएगा क्यू सी, साथ में इसके साथ एक्स है, प्लस क्यू वाई माइनस पी की जगह क्यू सी और साथ में उसके साथ क्यू भी था इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू ये जीरो के इक्वेट थी क्योंकि जब सभी टर्म सब लेफ्ट साइड आ जाती है तो राइट साइड क्या बचना है आपका, जीरो ही बचना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज क्यू सी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी की जगह क्यू सी,
प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू क्यू सी, यहां पे हमारी पी की वैल्यू क्या थी क्यू सी, और ये हो जाएगी क्यू सी क्यू हो जाएगी। यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्यू कॉमन हो जाएगा, बचेगा सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी क्यू। हमने इधर से क्यू जो है कॉमन ले लिया, जब क्यू कॉमन लेंगे तो ये क्यू एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी क्यू। तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी एक्स प्लस वाई अपान सी। तो क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास सी एक्स प्लस वाई अपान सी आ गई। अगर ये क्यू की वैल्यू आई है हमारी, तो इस वैल्यू को वापस हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पी की वैल्यू भी दोबारा आ जाएगी हमारी पुट इन सेकंड, क्योंकि पी की वैल्यू में भी क्यू साथ में आ रहा था, इसलिए वापस पी की निकालेंगे इंडिविजुअल वैल्यू। तो पी क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू आ गई सी एक्स प्लस वाई अपान सी, और साथ में ये वाला भी सी था, ये सी सी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा सी एक्स प्लस वाई। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू पी की आ गई, और ये वैल्यू हमारी क्यू की आ गई, और पी और क्यू की हमने दोनों की वैल्यू जो है फाइंड कर ली। इसके बाद जो है हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यही फॉर्म होती है, हमने वर्किंग रूल में लिखा था कि लास्ट में डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में ही हमने पी और क्यू की जो है वैल्यूज को सब्सिट्यूट करना है। तो वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू क्या थी, सी एक्स प्लस वाई अपान सी इंटू डी वाई। इन दोनों में से कॉमन निकलता है, सी एक्स प्लस वाई कॉमन निकलता है, अंदर इसके आ जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई अपान सी, यहां से सी एक्स प्लस वाई हमने कॉमन निकाल लिया, ये हमारे पास आ जाएगा सी एक्स प्लस वाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में जाएगा सी डी एक्स प्लस डी वाई होल डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू डी जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई सी डी जेड इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई इंटू सी डी एक्स प्लस डी वाई। अब जो है हम इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपको पहले ही बताया था कि वैसी वैल्यू आनी चाहिए जो इजिली इंटीग्रेट हो जाए, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे जो जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका सी डी जेड की इंटीग्रेशन हो जाएगी जेड इज इक्वल टू, जब इसको इंटीग्रेट करना है तो आपने सब्स्टिट्यूशन करके करना है, वेरी इजी आप कर सकते हो, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी सी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। क्यों, क्योंकि अगर हम इसकी इंटीग्रेट करते हैं, मैं आपको रफ में थोड़ा आइडिया दे देता हूं, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसको सब्स्टिट्यूशन से करो, हम इसको टी पुट कर लेंगे, सी एक्स प्लस वाई को क्या पुट कर लेंगे, टी पुट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा सी डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी टी, सी कॉन्स्टेंट एक्स की डी एक्स और वाई की डी वाई, जब आप इसी से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस वाई की जगह आ गया टी और इसकी जगह आ गया डी टी, टी की इंटीग्रेशन क्या होती है टी स्क्वायर अपॉन टू, वापिस टी की वैल्यू पुट करेंगे तो यही बन जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू आ गई सी जेड इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, हमने पहले भी लिया था, इसकी जगह हम चलो इसकी जगह डी ले लेते हैं, वेयर डी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा टू सी जेड इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस टू डी आएगा, उसकी जगह हमने डी डैश ले लिया क्योंकि हमने टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा इक्वेशन आ गई जो इज द कंप्लीट इंटीग्रल, ये हमारा जो है फाइनल इसका कंप्लीट इंटीग्रल आ गया, इज द कंप्लीट इंटीग्रल। आपको सबसे पहला नंबर ऑक्सिलरी इक्वेशन चार पिट की याद करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के पहले जो है आपको पांच वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, आपको वर्किंग मेथड अच्छे से दिमाग में चाहिए कि पहले आपने वो फाइव इंटीग्रल्स निकालने हैं, फंक्शन ऑफ एफ को एक्स के रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट, जेड के रिस्पेक्ट, पी के रिस्पेक्ट और क्यू के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लेना है, फिर उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करना है और वहां से कोई दो स्टेप्स लेने हैं जिनसे आप इजिली पी और क्यू की वैल्यू फाइंड कर सको। एक बार आपके पी और क्यू निकल गए, फिर आपने उसको जो है इस डी जेड इस इक्वेशन में पुट करना है, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, फिर आगे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि ये आपका इजिली आगे जाके इंटीग्रेट हो सके। जैसे मैंने यहाँ पे सी एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर राइट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसको हमने आगे जाके इसको इंटीग्रेट किया है, क्योंकि यहां पे 2d भी आएगा, उसकी जगह d डैश लिख लिया, वो भी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है चार पिट मेथड पे, आगे हम इस पे और भी एग्जांपल्स करेंगे, आई होप कि आपको ये वाला समझ आया होगा।